हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं अब नॉर्मल मॉलिकुलर मास के बारे में। ये टॉपिक हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और हम स्टार्ट करते हैं अब नॉर्मल मॉलिकुलर मास होता क्या है ये डिस्कशन करेंगे। देखिए, लास्ट दो तीन वीडियो में हमने बात की थी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। ओके, तो हमने चार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को डिटेल में स्टडी किया है। कौन कौन सी थी वो? फर्स्ट वॉज दी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सेकेंड वॉज दी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड वॉज दी डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट एंड फोर्थ वाज दी ऑस्मोटिक प्रेशर। और इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को हमने यूज़ करके एक एप्लीकेशन की थी कि हम इन प्रॉपर्टीज से किसी भी सॉल्यूट का मॉलिकुलर मास निकाल सकते हैं। मींस अगर तो हमें सॉल्यूट पता है तो उसका हम थ्रेटिकली मॉलिकुलर वेट भी निकाल सकते हैं और एक्सपेरिमेंटली भी हम मॉलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। बट अगर हमें कोई कंपाउंड जो सॉल्यूट जो है वो अननोन हो, उस केस में हम उनका मॉलिकुलर वेट जो है इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से निकालते हैं। ओके, तो समटाइम्स कुछ सॉल्यूशंस में ये देखा गया है कि जो नॉर्मल हमारा मॉलिक्यूलर वेट है जो हम फॉर्मूला से निकालते हैं और जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम कैलकुलेट करते हैं, बोथ कम्स आउट बी डिफरेंट। ठीक है, मीन्स जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट है विच वी कैलकुलेट फ्रॉम दी फॉर्मूला, ओके, एंड द ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर और कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट जो हम कैलकुलेट करते हैं या डिटर्मिन करते हैं फ्रॉम दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बोथ कम्स आउट बी डिफरेंट। वो सेम नहीं होते, हालांकि सेम आने चाहिए, है ना। तो बट वो जो मॉलिकुलर वेट जो हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इफ इट कम्स आउट टू बी सेम एज दैट ऑफ द नॉर्मल, देन वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो डिफरेंट आता है तो उस मॉलिकुलर वेट को हम क्या बोलते हैं? अब नॉर्मल मॉलिकुलर वेट बोलते हैं। सो आवर टॉपिक इज अब नॉर्मल मॉलिकुलर वेट या अब नॉर्मल मॉलिकुलर मास। सो आवर टॉपिक इज अब नॉर्मल मॉलिकुलर मास। ओके, सो इसको मैंने डिफाइन कर दिया कि अब नॉर्मल मॉलिकुलर मास क्या होता है। लेट मी एक्सप्लेन अगेन कि जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की हेल्प से किसी भी सॉल्यूट का मॉलिकुलर वेट निकालते हैं, अगर वो मॉलिकुलर वेट डिफरेंट आता है नॉर्मल जो हमारा मॉलिकुलर वेट है विच वी कैलकुलेट फ्रॉम दी फॉर्मूला, ठीक है, कोई केमिकल फॉर्मूला है वहां से मॉलिकुलर वेट निकालते हैं, उस नॉर्मल मॉलिकुलर वेट से जो कैलकुलेटेड मॉलिकुलर वेट है अगर वो डिफरेंट है तो हम उस मॉलिकुलर वेट को क्या बोलेंगे? अब नॉर्मल मॉलिकुलर वेट या अब नॉर्मल मॉलिकुलर मास। अब ऐसा होता क्यों है? देखिए, जब हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडीज की थी तो हमने वहाँ पे दो जो है अजम्पशन मान के चले थे कि क्या होना चाहिए, कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम उन सॉल्यूशन में स्टडी कर सकते हैं विच आर वेरी वेरी डाइल्यूट, मींस जिसमें सॉल्यूट की क्वांटिटी बहुत कम हो। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन वाज द सॉल्यूट शुड बी प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, ओके, और यू कैन से द सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूटेड, ओके। एक तो हम ये कंडीशन मान के चले थे। दूसरा हम कंडीशन क्या मान के चले थे कि वो जो हमारे सॉल्यूट हैं जब हम उनको सॉल्वेंट में डालते हैं, दे शुड नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट, ओके, दे शुड नॉट डिसोसिएट और एसोसिएट, मीन्स देर शुड नॉट बी एनी डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट और यू कैन से द सॉल्यूट, ओके, नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट शुड टेक प्लेस। ओके, तो ये दो कंडीशन है। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं होती है तो उस केस में जो हम मॉलिकुलर वेट निकालेंगे वो डिफरेंट आएगा। वो कैसे? सपोज फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं, अगर तो हमारा सॉल्यूट जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट हुआ, मीन्स अगर सॉल्यूशन क्या है कंसेंट्रेटेड है, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन है बिटवीन द सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स और द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, दैट विल गोज इन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, कुछ ना कुछ वहाँ पे मॉलिकुलर वेट में हमारा जो है डिफरेंस आएगा, बिकॉज देर विल बी टू मच इंट्रैक्शन। उस केस में हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारी जो प्रॉपर्टीज है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, दैट विल डिपेंड अपॉन दी इन दैट फैक्टर दे विल डिपेंड अपॉन दी नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड नॉट ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, बिकॉज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज विच डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द पार्टिकल्स। बट अगर हमारा सॉल्यूट जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, देन देर विल बी ए इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्यूट मॉलिक्यूल और द सॉल्यूट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, मीन्स इन दैट केस जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आएगी दैट विल डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल, ओके। सो उस केस में हमारा जो मॉलिक्यूलर वेट है दैट विल कम्स आउट बी डिफरेंट। अब बात करते हैं सेकेंड, अगर
सल्यूट मॉलिक्यूल में डिसोसिएशन हुई या एसोसिएशन हुई, उस केस में क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या तो इंक्रीज हो जाएंगे अगर डिसोसिएशन होती है, और अगर एसोसिएशन होती है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे, वो डिक्रीज कर जाएंगे, ठीक है ना। तो उस केस में भी हमारा जो है मॉलिक्यूलर वेट जो है डिफरेंट आएगा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगे, क्लियर। अब हम बात करते हैं सेकंड फैक्टर के ऊपर, डिटेल में डिस्कशन करते हैं भी अगर डिसोसिएशन होती है या एसोसिएशन होती है तो उस केस में क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं इफ देर इज एसोसिएशन ऑफ द सल्यूट मॉलिक्यूल्स, इफ देर इज एन एसोसिएशन ऑफ सल्यूट पार्टिकल, सल्यूट पार्टिकल्स, सपोज हमारे पास क्या है, कोई एन नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स है और वो क्या कर रहे हैं, एसोसिएट करके एक पार्टिकल बना रहे हैं ए एन, ठीक है। तो एन पार्टिकल से क्या बन रहा है, वन पार्टिकल बन रहा है, तो मींस नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना। सपोज हम बात करते हैं कि 10 मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो उस केस में हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, वो 110 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो उस केस में हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएंगे, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होंगे, डिक्रीज होंगे। एंड वी हैव स्टडीड दैट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दैट आर डायरेक्टली पोर्शनल टू द नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स ही डिक्रीज कर गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू भी क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। एंड वी हैव ऑल्सो स्टडीड दैट कि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं, द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, मोलर मास, अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू डिक्रीज करती है तो मीन्स उसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, वहां पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम यहां बात करते हैं एस्टिक एसिड और बेंजोइक एसिड की, तो एस्टिक एसिड, दिस इज एस्टिक एसिड। अब इन एस्टिक एसिड को जब हम बेंजीन सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं, ठीक है, तो बेंजीन में जब डिजोल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि एस्टिक एसिड मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक डाइमर फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, दो मॉलिक्यूल जो हैं वो डाइमर फॉर्मेशन करते हैं, और यू कैन से दे फॉर्म अ डाइमर लाइक दिस। तो होता क्या उसमें कि ये हमारी जो स्ट्रक्चर है एस्टिक एसिड की, तो इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द ऑक्सीजन ऑफ अदर एस्टिक एसिड मॉलिक्यूल, ठीक है, दोनों साइड से क्या हो जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और ये जो मॉलिक्यूल है एक सिंगल मॉलिक्यूल वहां पे बन के रह जाते हैं। मींस अगर हमने वहां पे 100 मॉलिक्यूल्स डाले हैं एस्टिक एसिड के बेंजीन के अंदर, सो वहां पे हमें जो है 50 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो मींस नंबर ऑफ पार्टिकल्स वहां पे डिक्रीज कर जाते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज करके तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज कर जाएगी और मोलर मास क्या रहेगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल्स का वहां पे मॉलिक्यूलर मास मिलता है, तो यहां पे जो मॉलिक्यूलर मास है, नॉर्मल जो मॉलिक्यूलर मास है, नॉर्मल मोलर मास जो है एस्टिक एसिड का, दैट इज 60, ओके, दैट इज 60, बट जब हम कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सो इट कम्स आउट टू बी 120। वो ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल फॉर्मेशन कर रहे हैं, और उसकी वजह से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, हाफ हो रही है, और मॉलिक्यूलर वेट क्या हो रहा है, वो डबल हो रहा है, ठीक है। तो ये तो बात थी एसोसिएशन की, अब बात करते हैं डिसोसिएशन की, सेकेंड केस लेते हैं जिसमें क्या हो, मॉलिक्यूल डिसोसिएट कर रहे हैं। If dissociation takes place, अब मान लो कि हमारे पास कोई एक मॉलिक्यूल है, इसका ऑपोजिट ले लेते हैं ए एम, ठीक है, उसको जब हमने किसी सॉल्वेंट में डाला तो वो क्या कर रहा है, डिसोसिएट कर रहा है, एंड इट इज फॉर्मिंग दी एम मॉलिक्यूल्स ऑफ ए, ठीक है, पहले एक सिंगल मॉलिक्यूल था, अब वो क्या बना रहा है, एम ए मॉलिक्यूल बना रहा है, और यू कैन से वी हैव ए इलेक्ट्रोलाइट लाइक ए बी, वी हैव ए इलेक्ट्रोलाइट ए बी, और सपोज हम उसका 1 मोल डाल रहे हैं और वो डिसोसिएट कर रहा है, और वहां पे क्या वो दे रहा है, आयंस दे रहा है, एक ए पॉजिटिव एंड अदर इज द बी नेगेटिव, उस केस में वी आर गेटिंग द 1 मोल ऑफ ए आयंस एंड 1 मोल ऑफ बी आयंस, मींस वी आर एडिंग द 1 मोल एंड इन द सॉल्यूशन वी आर फाइंडिंग दैट देयर आर 2 मोल्स ऑफ पार्टिकल्स, 2 मोल्स ऑफ आयंस, ओके, वन आर द कैटायंस, अदर आर द एनायंस। तो उस केस में भी क्या होता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ने से
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज कर जाती हैं और मॉलिकुलर वेट जो है जो हम डिटरमिन करते हैं वो कम आता है लेस आता है। ठीक है, तो सपोज हम बात करते हैं KCl की। अब KCl को जब हम डिसॉल्व करते हैं तो वो बनाता है पोटाशियम आयन एंड क्लोराइड आयन। मीन्स इफ वी आर टेकिंग दी वन मोल ऑफ KCl एंड वी आर गेटिंग दी वन मोल ऑफ पोटाशियम आयन एंड वन मोल ऑफ क्लोराइड आयन, ओके, तो उस केस में जो मॉलिकुलर वेट है दैट कम्स आउट टू बी हाफ। ओके, सो दैट कम्स आउट टू बी हाफ। अब पोटाशियम का जो एटॉमिक वेट है दैट इज 39 और क्लोरीन का जो एटॉमिक वेट है दैट इज 35.5 और टोटल जो हम नॉर्मल जो बात कर रहे हैं फॉर्मूला से निकाल रहे हैं दैट कम आउट टू बी 74.5। बट जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इधर यू टेक दी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, तो वहां से हम क्या देखते हैं कि जो मॉलिकुलर मास है KCl का दैट कम्स आउट टू बी एग्जैक्टली हाफ दैट ऑफ दिस नॉर्मल मॉलिकुलर वेट। ठीक है, सो दैट कम्स आउट टू बी 37.25। क्लियर, सो ये हाफ क्यों हुआ? बिकॉज वी आर हैविंग द वन मोल ऑफ सल्यूट विच इज गोइंग टू डिसोसिएट इन टू द सोल्यूशन एंड फॉर्मिंग द टू मोल्स ऑफ पार्टिकल्स। ओके, वन मोल से टू मोल्स बन रहे हैं, डबल द नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं, मीन डबल द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बन रहे हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या हो रही है यहाँ पे डबल हो रही है और मॉलिक्यूलर वेट जो कि इन्वर्सली पोर्शनल है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के वो वहाँ पे क्या हो रहा है हाफ हो रहा है, वो क्या हो रहा है हाफ हो रहा है। तो यहाँ पे वांटहोफ ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया, दैट इज नोन एज आयोटा। ओके, वांटहोफ, उसको हम वांटहोफ फैक्टर भी बोल देते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड दी वांटहोफ फैक्टर और सिंपली इट इज नोन एज आयोटा फैक्टर। वट इज दैट, तो क्या डिफाइन किया, वट इज आयोटा? आयोटा इज नथिंग बट इट इज द रेशो ऑफ नॉर्मल मॉलिकुलर मास टू द ऑब्जर्व मॉलिकुलर मास, रेशो ऑफ नॉर्मल मोलर मास टू द ऑब्जर्व मीन्स जो हमने कैलकुलेट किया है, ऑब्जर्व और यू कैन राइट द कैलकुलेटेड मोलर मास, ठीक है, इन दोनों की रेशो है। ओके, सो इफ द नॉर्मल मोलिकुलर मास एंड द ऑब्जर्व मोलिकुलर मास इफ इट इज सेम इन दैट केस वी विल हैव द आयोटा इज इक्वल टू वन, मीन्स इन दैट केस नो एसोसिएशन और डिसोसिएशन इज टेकिंग प्लेस। ओके, एंड इफ द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास कम्स आउट टू बी मोर, इफ द ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास कम्स आउट टू बी मोर, जैसे हमने देखा था बेंजोइक एसिड और एस्टिक एसिड के केस में जो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट है दैट इज 60 एंड कैलकुलेटेड इज 120, तो मींस उस केस में हमारी जो वैल्यू आई दैट इज 0.5 और यू कैन से आयोटा इज लेस देन 1 इन केस ऑफ एसोसिएशन। और जब एसोसिएशन होती है तो आयोटा इज कम आउट टू बी लेस, एंड इन केस ऑफ डिसोसिएशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं इंक्रीज होते हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी क्या होती है इंक्रीज होती है, तो जो मॉलिक्यूलर वेट हम कैलकुलेट करते हैं वो डिक्रीज करता है। ठीक है, तो जैसे हमने बात की थी अभी KCl के केस में तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट इज 74.5 और जो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास है जो हमने कैलकुलेट किया फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज 37.25। इन दैट केस आयोटा इज कम आउट टू बी 2.0, मीन्स आयोटा इज मोर देन 1, आयोटा इज ग्रेटर देन 1 इन केस ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर, तो उस केस में जो आयोटा है वो क्या आ रहा है दैट इज मोर देन 1 वैल्यू। क्लियर, सो ये है आयोटा फैक्टर। अगर इन आयोटा फैक्टर को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ मल्टीप्लाई कर लें मीन्स इंट्रोड्यूस कर लें तो हमारे पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की जो फॉर्मूलाज हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं और उनमें ये आयोटा फैक्टर क्या करेगा जो मॉलिक्यूलर वेट डिक्रीज या इंक्रीज कर रहा है उसको वहाँ पे बैलेंस करेगा। तो फर्स्ट जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, वो क्या बन जाती है, फर्स्ट वन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, उसमें हमने देखा था कि डेल्टा पी अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू एक्स पी। ठीक है, अब इसमें हमने फैक्टर इंट्रोड्यूस करना है आयोटा, तो उसको हम प्रोडक्ट साइड पे जो लेफ्ट राइट साइड पे हम इसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर देंगे, तो मीन्स जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे हमारे जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी एग्जैक्टली सेम। ठीक है, तो और मॉलिक्यूलर वेट भी क्या आएगा वहाँ पे, करेक्टेड मॉलिक्यूलर वेट आएगा। ओके,
सेकेंड जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी दैट वॉज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ओके दैट वॉज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलैरिटी। अब यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, आयोटा फैक्टर इंट्रोड्यूस करना होगा। सिमिलरली द थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सेम वी हैव डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, आयोटा फैक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके सो नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, द लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर सो दैट वॉज इक्वल टू पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो यहां पे भी हमें क्या करना होगा, आयोटा फैक्टर इंट्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, तो अगर ये रही हमारी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की इक्वेशंस, इनमें हमने आयोटा फैक्टर इंट्रोड्यूस किया है, और ये आयोटा फैक्टर क्या करेगा, यहां से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू को भी बैलेंस करेगा, और जो मॉलिक्यूलर वेट जो हम डिटरमिन करेंगे वो भी क्या होगा, बैलेंस होकर ही आएगा। क्लियर है, तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि आयोटा फैक्टर जो वांटो फैक्टर है इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और एसोसिएशन के साथ क्या रिलेशन है, मींस हाउ कैन वी कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन बाय यूजिंग द आयोटा और वांटो फैक्टर। सो सबसे पहले हम बात करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में। सो व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, एक्चुअली डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सो व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट विच इज डिसोसिएटेड। ओके इनिशियली जो हमने लिए हैं उनमें से कितने डिसोसिएट करके, द परसेंटेज ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नोन एज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, चाहे वो डिग्री ऑफ एसोसिएशन हो चाहे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो, उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें देखना है इस अल्फा का आयोटा के साथ क्या रिलेशन है और कैसे हम डिटरमिन कर सकते हैं। एक्चुअल में अगर हम अल्फा को फॉर्मूला में लिखने तो क्या लिखेंगे हम, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसोसिएटेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट डिसोसिएटेड ओवर द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट टेकन। ओके सो दैट इज नोन एज द अल्फा। सो अब हम वही इक्वेशन लेंगे जिसमें हमने पहले डिसोसिएशन डिस्कस की थी। सपोज वी हैव अ मॉलिक्यूल ए एम एंड इट इज गोइंग टू डिसोसिएट एंड फॉर्मिंग द एम ए मॉलिक्यूल्स। ओके दैट इज एम ए मॉलिक्यूल्स, इनिशियली वी हैव टेकन वन मोल, और उस टाइम पे हमारे पास कोई भी डिसोसिएशन हुई। ठीक है, आफ्टर सम टाइम व्हाट वी फाउंड कि अल्फा मॉलिक्यूल इसमें से डिसोसिएट कर गए। ठीक है, तो एक से यहाँ पे एम बने। ओके आफ्टर सम टाइम हम क्या देखते हैं, अगर इसमें से अल्फा डिसोसिएट कर गए तो यहाँ पे क्या बनेंगे, एम अल्फा बनेंगे। ठीक है, तो एक कंप्लीट मॉलिक्यूल से हमारे पास एम ए बन रहे हैं, तो एक में से अगर अल्फा टूट रहा है तो कितने बनेंगे, एम अल्फा बनेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आफ्टर डिसोसिएशन कितने बचेंगे, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो हम देखेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स और सल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन कितने हुए, दैट इज 1 माइनस अल्फा प्लस एम अल्फा। ओके नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन इज 1 माइनस अल्फा प्लस एम अल्फा, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, और बिफोर डिसोसिएशन वी हैव ओनली 1। ठीक है, दैट इज 1। ओके सो व्हाट इज आयोटा, आयोटा हमने क्या डिस्कस किया था, द ऑब्जर्व the normal molecular weight upon observed molecular weight, and we have said that ki molecular weight jo hai that is depending upon the number of moles। theek hai, aur humne ye bhi study kiya hua hai ki number of moles of solute or any component is equal to the weight upon molecular weight। theek hai, means it is inversely proportional to the molecular weight। so iota jo ki tha hamare paas normal
मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास, ऑब्जर्व्ड मोलर मास. सो इट इज ऑल्सो इक्वल टू द ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स. ओके, ऑब्जर्व्ड नंबर ऑफ मोल्स अपॉन द नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स. अब इसका क्या मतलब है? मीन्स कि ये जो रेशियो है दैट वाज नॉर्मल मोलर मास टू द ऑब्जर्व मोलर मास, एंड वी हैव सेड दैट कि मोलर मास जो है वो नंबर ऑफ मोल्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. सो आयोटा जो है हम नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में लिख सकते हैं, मींस ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स. ऑब्जर्व क्या हुआ कि आफ्टर डिसोसिएशन हमारे पास कितने बचे, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल्स, एंड नॉर्मल इनिशियली कितने थे हमारे पास, ठीक है. सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट द आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एम अल्फा अपॉन 1. ओके, दैट इज इक्वल टू 1. सो क्या फॉर्मूला बना हमारे पास, आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एम अल्फा अपॉन 1. और यहां से हम लिख सकते हैं कि आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस एम अल्फा. ओके, तो 1 को अगर हम यहां ले जाएं, सो वी विल राइट 1 माइनस आयोटा माइनस 1 इज इक्वल टू, हेयर वी कैन राइट माइनस अल्फा प्लस एम अल्फा, और वी कैन राइट इट एज एम अल्फा माइनस अल्फा. ओके, तो आयोटा माइनस वन इज इक्वल टू एम अल्फा माइनस अल्फा. और यहां से हम क्या ले सकते हैं, अल्फा कॉमन ले सकते हैं. सो इट विल बी एम माइनस वन इंटू अल्फा आयोटा माइनस वन, एंड फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट द अल्फा इज इक्वल टू आयोटा माइनस वन अपॉन आयोटा माइनस वन अपॉन एम माइनस वन. सो वट इज एम? एम इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर फाउंड आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है. कितने मॉलिक्यूल्स वहां पे डिसोसिएट कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे कितने बन रहे हैं वो हमारे पास वहां पे आ जाएंगे, ठीक है. तो हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वहां से निकाल सकते हैं. आयोटा कहां से आएगा हमारे पास, विच वी कैलकुलेट फ्रॉम द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट्स. तो वहां से हम आयोटा की वैल्यू निकाल लेंगे, डिसोसिएशन हो रही है तो वहां पे आयोटा की वैल्यू क्या रहेगी, एसोसिएशन हो रही है तो वहां पे अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है. तो वहां से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं. नेक्स्ट बात करते हैं हम सेकेंड फैक्टर, दैट इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ठीक है. हाउ इट इज रिलेटेड टू द डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन. ओके, डिग्री ऑफ एसोसिएशन इज ऑल्सो नोन एज द अल्फा. सो वट इज अल्फा और डिग्री एसोसिएशन, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच आर एसोसिएटेड, ठीक है, और विच आर गोइंग टू एसोसिएट. ओके, सो इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पार्टिकल्स एसोसिएटेड अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली टेकन, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन द एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द पार्टिकल्स ए विच आर गोइंग टू एसोसिएट एंड फॉर्मिंग द ए एन, ठीक है. तो यहां पे भी हम मान के चलते हैं कि इनिशियली हमने क्या लिया है, वन मोल लिया है. सो इनिशियली वी हैव वन मोल, ठीक है, उस टाइम पे अभी कोई एसोसिएशन हुई, एंड आफ्टर फ्यू मिनट्स और सम टाइम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, मीन्स अल्फा उसमें से एसोसिएशन हो गई. अल्फा उसमें से एसोसिएशन होगी तो पिछले कितने बचेंगे, 1 माइनस अल्फा. और अगर एसोसिएट कर गए हैं, अगर 1 से एक मॉलिक्यूल बन रहा है, n से एक बन रहा है, तो हमारे पास n मॉलिक्यूल्स हैं, तो कितने बचेंगे वहाँ पे, अल्फा अपॉन n बनेंगे. मीन्स अगर 10 मॉलिक्यूल एसोसिएट करके एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है, तो हमारे पास कितने बनेंगे वहाँ पे, 1/10 बनेंगे, ठीक है. 10 से एक बन रहे हैं तो इनिशियली वहाँ पर लास्ट में कितने बचेंगे, 1/10 बचेंगे, ठीक है. तो दैट इज अल्फा बाय एन. सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन कितने बचे हमारे पास, अल्फा बाय एन, तो ये बन गए, पीछे कितने बच गए, 1 माइनस अल्फा. ओके, सो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन, ठीक है. तो इनिशियली कितने थे, नॉर्मल कितने थे, 1 मोल थे. सो व्हाट विल द आयोटा,
आयोटा विल बी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन अपॉन 1. फ्रॉम दिस वी कैन राइट आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय एन. और सिमिलरली अगेन 1 को हम वहां ले लेंगे तो इट विल बी आयोटा माइनस 1 इज इक्वल टू वी कैन राइट अल्फा बाय एन माइनस अल्फा. ठीक है, सो वी हैव आयोटा माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा बाय एन माइनस अल्फा. तो यहां से हम अल्फा कॉमन ले लेंगे सो इट विल बी 1 माइनस एन 1 अपॉन एन माइनस 1 इंटू अल्फा आयोटा माइनस 1. सो फ्रॉम दिस अल्फा विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, आयोटा माइनस 1 अपॉन 1 अपॉन एन माइनस 1. ठीक है, तो यहां से भी हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, हैविंग द वैल्यू ऑफ आयोटा एंड एन वी कैन ईजिली कैलकुलेट द अल्फा इन केस ऑफ एसोसिएशन. अगर डिसीजन की बात है वहां पे भी हमें अल्फा कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, वहां पे हमें आयोटा की वैल्यू चाहिए और एम कितने मॉलिक्यूल वहां पे डिसोसिएट कर रहे हैं. ठीक है, तो यहां से हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन और डिसीजन निकाल सकते हैं. ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री.